महान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। आज हम सब यहाँ हिंदी दिवस मना रहे हैं। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस को कई साल पहले संवैधानिक रूप से हिंदी का दर्जा दिया गया था। तब से हर दिन 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज के दिन कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इसी तरह हमारे शिक्षकों ने भी, हमारे अपने प्यारे विद्यार्थियों ने भी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। उम्मीद है आप सब इसे पूरे जोश से करेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात। आज हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती हिंदी भाषा है। हर भाषा से प्यारी हमको लगती हिंदी। भाव कोई भी हो, हर भाव प्रकट हो जाता है जब बोले हिंदी भाषा। हर मन प्रसन्न हो जाता है, हर मन प्रसन्न हो जाता है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, गुरुजनों, अभिभावकों और मेरे सहपाठियों, मैं दित्या, कक्षा छठी की छात्रा, आप सभी का हिंदी दिवस समारोह में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज 14 सितंबर है। संपूर्ण भारत में इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन के बारे में बताने के लिए मैं श्रीमती कल्याणी तेज को बुलाना चाहूंगी। धन्यवाद दित्या। नमस्कार सभी को, मैं कल्याणी आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 14 सितंबर है। भारत में इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत वर्ष 1949 से हुई थी। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। तब से इस भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। हर साल इस दिन देश भर में हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी। मैं सुमेधा, कक्षा 7वीं की छात्रा, यहाँ उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करते हुए हमारे समारोह की पहली प्रतियोगिता का आरंभ करती हूँ, जिसका नाम है प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और क्विज कॉन्टेस्ट। प्रतियोगिता आरंभ करने से पहले मैं कुछ नियम बताना चाहूँगी। पहला नियम, इस प्रतियोगिता में सभी अभिभावक हिस्सा ले सकते हैं। दूसरा नियम, उत्तर देने के लिए आप लोगों को हाथ उठाना है। जो पहले हाथ उठाएगा वो ही पहले उत्तर दे सकता है। तीसरा नियम, उत्तर देने से पहले प्रतियोगी को अपना नाम बताना होगा, फिर उत्तर देना है। चौथा नियम, एक ही प्रतियोगी सारे उत्तर नहीं दे सकता। पहला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले नाम यानी नरेंद्र का मतलब क्या है? राजा, शिव, विष्णु या अग्नि? समृद्धा की मम्मी मैम, देविका मैम, समृद्धा मैम ने पहले हाथ उठाया है तो उनको पहले चांस मिलेगा। मैम प्लीज अपना नाम बोलिए और आंसर बताइए। निवेदिता, समृद्धा मॉम एंड ईश्वर। नो मैम, देविका मैम बोलिए। मेरे हिसाब से राजा। करेक्ट मैम, पहले अपना नाम बताना है फिर बोलना है। मैंने आपका नाम ले दिया था, बट आपको पहले नाम बोलना है। अगर आप कोई नाम नहीं बताएगा तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। देविका चौधरी, दित्या चौधरी की मम्मी। ओके मैम, थैंक यू।
अगला क्वेश्चन सुमेधा। सुमेधा तुम म्यूट पर हो बेटा। सॉरी मैम। दूसरा प्रश्न, हिंदी में उपन्यास सम्राट की उपाधि से किस साहित्यकार को संबोधित किया जाता है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, मोहन राकेश या रामधारी सिंह दिनकर? यस मैम, आप बताइए। सुमेधा की मम्मी। नमस्ते, विजयश्री सुमेधा की मम्मी, मुंशी प्रेमचंद। करेक्ट जवाब, सही जवाब है मैम आपका। अगला क्वेश्चन सुमेधा। हाँ अगला, मेरी सबसे मेरा सबसे अनुरोध है कि सही जवाब होने पर कृपया तालियां बजाकर उनका थोड़ा सा साहस बढ़ाए। अगला प्रश्न, शेखर एक जीवनी क्या है? कविता, उपन्यास, जीवनी या यात्रा वृत्तांत? अगर आपको नहीं आता तो आप ट्राई कर सकते हैं, कृपया प्रयत्न कीजिए, ऑप्शन दिए गए हैं आपको। सुमेधा एक बार क्वेश्चन को दोबारा बोलो। क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा बोलना बेटा। हाँ मैम, शेखर एक जीवनी क्या है? कविता, उपन्यास, जीवनी या यात्रा वृत्तांत? विराट की मम्मी, मैम पहले अपना नाम बताइए प्लीज। कृष्णप्रिया। क्या उपन्यास सही है? हाँ, आपने शायद तुक्का मारा है पर सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में ऑक्सफर्ड डिक्शनरी में किस शब्द को शामिल किया गया है? बहुवचन, नारी शक्ति, संस्थान या मच्छरदानी? यह समृद्धा की मम्मी। नारी शक्ति। करेक्ट मैम, आप एक बार दोबारा अपना नाम बताएंगे। निवेदिता। निवेदिता, थैंक यू मैम, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, क्रिकेट के शब्द LBW को हिंदी में क्या कहते हैं? पैर आउट, पग बाधा, विकेट से पहले आउट, विकेट से पहले पकड़ लिया? विष्णुप्रिया मैम। पग बाधा। करेक्ट। अगला प्रश्न, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी, 10 जनवरी, 14 सितंबर या 18 जुलाई? मैंने निवेदिता मैम को पहले देखा है हाथ खड़ा करते हुए, शायद श्यामा की मम्मी ने भी हाथ खड़ा किया है, अगर किसी ने देखा है तो प्लीज मुझे बताइए किसने पहले खड़ा किया हाथ। मैम मैंने किया। टीचर्स आप थोड़ा मुझे बताएं। I was not sure about the answer, so I just... मैम आई। अनेरा, बच्चे छात्र नहीं इसमें हिस्सा ले सकते, ये अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए है, आपके लिए भी बहुत सारी गतिविधियां हैं, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करना। मैम मैम श्यामा की मम्मी को टर्न देते हैं, आप ऑलरेडी दो दे चुके हो, एक उनको भी जवाब देने देते हैं। ओके मैम अपना नाम बताइए प्लीज। मैम मैं हूँ मयूरी परिजा और सही उत्तर है 14 सितंबर। मैम 14 सितंबर तो ऑप्शन ही नहीं था।
दिया था नहीं दिया था और मैम आपने शायद क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना, विश्व हिंदी दिवस, विश्व भारत का हिंदी दिवस नहीं विश्व, अच्छा वो अलग होता है क्या? अच्छा हाँ वो अलग होता है, अभी आपको उसका जवाब पता चलेगा। सारिका मैम, विजयश्री, वी सी, दे आर आल्सो रेजिंग द हैंड, यू कैन चेक विद देम। बट मैम पहले, उससे पहले निवेदिता मैम ने भी हाथ खड़ा किया, तो मुझे पहला चांस उनको देना पड़ेगा। ठीक है निवेदिता मैम आप बोलिए। 10th जनवरी मैम। सही जवाब मैम। आपने गेस किया है या आपको पता था? पढ़ा था, और मेरी बेटी का बर्थडे भी उसी दिन है। ओ बहुत बहुत अच्छा। तो मयूरी मैम ये 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है मैम। अगला क्वेश्चन सुमेधा। हाँ मैम, अगला प्रश्न, हिंदी लिखने के लिए किस बोली को आधार बनाया गया है? भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज या अवधी? मयूरी मैम आपने हाथ खड़ा किया, आप श्योर हो? आपको चांस दूं? एक और अभिभावक मैम प्लीज आप अपना नाम बताइए, आप पहला आंसर दे रहे हैं तो मैं आपको चांस दूंगी पहले। सारिका मैम, whom you are asking, सारिका मैम, किसको पूछ रहे आप? अंशुमन राय नेम इज कमिंग। मैम मैम रुचि, रुचि बोल रही हूँ। हाँ ठीक है मैम, जवाब बताइए। ब्रज भाषा। नहीं मैम गलत जवाब, सॉरी। अवनी की मम्मी, अवनी की मम्मी ने एक भी आंसर नहीं दिया है। विजयश्री मैम पहले एक बार अवनी की मम्मी को मैं चांस देती हूँ, फिर मैं आपको दूंगी। यस मैम अपना नाम बताइए। अनुराधा मेरा नाम है, कर रही हूँ जस्ट गेस, थिंक इट इज अवधि। कौन सा मैम? हाँ ठीक है चलो मैम गेस करो, आप बताओ कौन सा आंसर है। अवधि, अवधि द लास्ट वन। मैम अब तो दो ही ऑप्शन रह गए या दो इनकरेक्ट हो गए। गलत है मैम। विजयश्री मैम आप बताइए। मैम खड़ी बोली। करेक्ट। अब तो मैम ऐसे बहुत आसान था, दो ही ऑप्शन थे। फिर भी तालियां। हिंदी का बेस खड़ी बोली से लिया गया है, उस पे आधारित है। आगे के प्रश्नोत्तरी को पूछने के लिए मैं अपनी अध्यापिका को बुलाना चाहूंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही सरल है, मुझे लगता है सबको आता होगा। भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं? 21 मींस 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24। सिया बेटा पेरेंट्स के लिए है। मैं आपसे क्लास में पूछूंगी बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है रेडी रहना। मैम विराट की मम्मी ने पहले हाथ खड़ा किया, मैंने उनको पहले देखा। मैम विष्णु प्रिया। यस वन। मैम आपने तुक्का मारा है ना। इज इट राइट? नो, तभी मैंने कहा आपने गेस किया है, कहीं पे सुना था इसलिए। मैम आपने गलत सुना है, थोड़े से नंबर से चूक हो गई आपकी। श्यामा की मम्मी। मैम 22। यस मैम, योर नेम मयूरी ना? या मयूरी। सही जवाब मैम, 22 राजभाषाएं हैं। मैं थोड़ा आपको यहाँ ज्ञान दे देती हूँ, 18 बोलियां हैं और 22 भाषाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा पर पहला शोध मींस रिसर्च, द थियोलॉजी ऑफ तुलसीदास किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जे आर कारपेंटर या लॉर्ड मैकाले? अभी एक ही हाथ खड़ा हुआ विजयश्री मैम का। मैम आप बताइए आंसर। थियोलॉजी राइट मैम, सो द मैकाले। नहीं मैम ये इनकरेक्ट है। फोर्थ वन? नो नो। कोई और?
कारपेंटर नहीं हो सकता है। अंशुमान अंशुमान राय मैम नहीं मैम ऐसे तुक्के मत मारो, ऑप्शन फिर दो ही रह जाते हैं। गैस किया है ना आपने, ये गलत है मैम। और कोई, जैसे कि हमारे कोई भी अभिभावक अब उत्तर नहीं दे पा रहे, तो हमारी प्यारी छोटी सी छात्रा, उसकी ख्वाहिश है एक उत्तर देने की, तो मैं उसको चांस दूंगी। सिया बोलो। मैम आई थिंक इट इज कारपेंटर। तुमने सही सोचा है। हमारी नन्ही सी छात्रा के लिए तालियां बजाई जाए, बट बेटे मार्क्स नहीं जोड़ूंगी इसके, क्योंकि ये पेरेंट्स की था, बट किसी को नहीं आता था इसलिए मैंने आपको चांस दिया। ठीक है सी, आर यू हैप्पी नाउ? गुड। तो हमारा अग मैम एक इस वाले प्रश्न के मैं किसी के में भी ऐड नहीं कर रही हूँ आपके, सही उत्तर नहीं दिया। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली प्रकाशित किताब प्रकाशित किताब किसे माना जाता है? लल्लू लाल की प्रेम सागर, प्रेमचंद्र की गोदान, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की चंद्रकांता, विष्णुगुप्त की पंचतंत्र। सिया अब नहीं, यस मैम, विराट की मम्मी। मैम पंचतंत्र। नहीं मैम, कोई और। यस अवनी की मम्मी आंसर उत्तर देना चाहती है। यस मैम आप बोलिए। गोदान, प्रेमचंद का गोदान। मुझे लग रहा था सब गोदान चुनेंगे बट ये गलत है। वही सबसे फेमस है। इसमें कौन से ऑप्शंस हैं? मैम पहला ऑप्शन है लल्लू लाल की प्रेम सागर, दूसरा प्रेमचंद्र की गोदान, तीसरा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की चंद्रकांता, विष्णुगुप्त की पंचतंत्र। आपने बहुत देर से अपना हाथ खड़ा किया हुआ है, आप आंसर देना चाहोगे? मैं कॉन्टेम्पलेट कर रही हूँ मैम, मुझे लगता है लड्डू दैट वन। मैम लल्लू लाल की प्रेम सागर। हाँ लल्लू लाल की प्रेम सागर, चंद्रकांता तो रिसेंटली टीवी में भी आई थी तो उतना पुराना नहीं है, सबसे पहले तो लल्लू लाल ही होंगे। लल्लू लाल की प्रेम सागर हमारी पहली प्रकाशित किताब है हिंदी की, तो विजयश्री मैम ने आंसर दिया है। मैम अगर मैं किसी पेरेंट का नाम गलत बोलूं तो मुझे सही कर देना। दूसरा प्रश्न बहुत ही फेमस, सबको आता होगा, मुहावरा है, खिसियानी बिल्ली डैश नोचे में बिल्ली हमेशा क्या नोचती है? पेट, खंबा, तकिया। आहान बच्चों के लिए नहीं है बेटा, मम्मी को बोलो आंसर देने के लिए। सिया सिया बेटा म्यूट पे जाओ, आपको मैंने एक चांस दिया था ना। यस श्यामा की मम्मी मयूरी मैम, बच्ची मैम की लाइन में है, देखते कौन आंसर देगा सही। मम्मा पापा सिया सिया एक सेकंड के लिए आप म्यूट पर जाओ बेटा। मैम खंबा। हाँ मैम मैम आप उसमें इतने सोच की रहे हो, खंबा ही है। थैंक यू। बोल रहा कि माय नानी इस बारे से कबीर के दुहा। तो हमारा अगला प्रश्न है, लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? 1908, 1912, 1907 या 1999? 1908। सिया बेटा आपके लिए ना मैंने एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी रखी है, ठीक है, उसमें आप जितना बोलना चाहते हो ना आप बोल सकते हो, आपके लिए मैंने एक एक्टिविटी रखी है। मम्मा पापा इंटरकॉम फोन वाले साहब,
अच्छा सिया सुनो, ऑप्शन यस, समृद्धा की मम्मी ने हाथ खड़ा किया है, मैम आंसर बताइए। 1907 मैम। 1907 करेक्ट जवाब है मैम आपका। मैम निवेदिता ना, अगला प्रश्न है, गूगल ने अपने सर्च इंजन में हिंदी में खोज की सुविधा कब शुरू की? 2004, 2009, 1999, 2014। विजयश्री मैम आप बताइए। I'm going to try मैम। 2014। गलत जवाब मैम। निवेदिता मैम, मैम पहले एक बार विराट की मम्मी को भी देती हूँ, आपने बहुत सारे आंसर दिए, उन्होंने थोड़े कम, मैं नेक्स्ट आपको देती हूँ। मैम 2009। यस मैम। मैम योर नेम? सुप्रिया। आज का अंतिम प्रश्न, चार लोगों में टाई हो रहा है, तो अब इस प्रश्न से पता चलेगा कि कौन पहले नंबर पर आएगा। हिंदी साहित्य, इसमें जो भी पहले हाथ खड़ा करेगा मैं उसी को चांस दूंगी, चाहे उसने ज्यादा आंसर दिए हैं या कम आंसर दिए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास पर पहला लेख किसने लिखा था? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंद्र तेंद्र हरिश्चंद्र, ग्रासीन द तेसी, फादर कामिल बुलके। मैम प्लीज रिपीट द ऑप्शंस। हिंदी, अच्छा सॉरी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग्रासीन द तेसी, फादर कामिल बुलके। मैंने जो देखा, मैंने श्यामा सॉरी मयूरी मैम को और विजयश्री मैम ने, दोनों ने एक साथ हाथ खड़ा किया है। मैम बट आई रेज फर्स्ट, आई रेज फर्स्ट मैम। मैम सिया पर अभी रुको, अभी देती हूँ आपको चांस, ठीक है? अगर कोई भी आंसर नहीं बताएगा तो आप बताना, ठीक है? मयूरी मैम आप बताइए। मैम इज इट रामचंद्र शुक्ला जी? मैम गलत जवाब। विजयश्री मैम आप बताइए। मैम हरिश्चंद्र। मैम दो ऑप्शन चले गए, अब गलत जवाब। समृद्धा की मम्मी आप बताइए। विराट की मम्मी? मैम द सेकंड ऑप्शन। मैम सबके गलत जवाब है, अब एक ही ऑप्शन बचता है, हैं मैं उस क्वेश्चन को अभी से हटाती हूँ। इसका सही जवाब है, नहीं सिया आपने भी सही जवाब नहीं दिया, इसका सही जवाब है ग्रासीन द तेसी। बट अब एक ही ऑप्शन बचा था ना, तो मैं आपका जवाब नहीं ले सकती थी। एक और क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से इसमें जोड़ती हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं फिर फाइनल नहीं कर पाऊंगी कौन जीता है, तो एक और लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट प्रश्न है। एक सेकेंड, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहला संबोधन, हिंदी में पहला संबोधन कब दिया गया? मैं ऑप्शन नहीं दे रही, मैं समृद्धा की मम्मी को चांस देती हूँ, उन्होंने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया। मैम यू आर ऑन म्यूट, निवेदिता मैम आप म्यूट में है। बट वही कब थोड़ा
1945? नहीं मैम, गलत जवाब। इसलिए ऑप्शन से पहले हाथ नहीं खड़ा करना चाहिए था आपको। ऑप्शन तो नहीं दे रहे ना। आपने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया, मुझे लगा आपको ऑप्शन नहीं चाहिए। अच्छा मैं ऑप्शन देती हूँ, ऑप्शन देती हूँ। 1952, 1945, 2014, 1977। मयूरी मैम 1977 सही जवाब। ये आज का अंतिम प्रश्न था। I think it was addressed by Mr. Atal Bihari Vajpayee। Yes ma'am, correct। तो ये आज का अंतिम सवाल था, और आगे के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मैं अपनी सहयोगी श्वेता मैम को बुलाना चाहूंगी। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया सबने, बहुत अच्छा। धन्यवाद मैम। सुप्रभात। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमरन करे तो दुख काहे का होए। कबीर दास जी की इन्हीं सुंदर पंक्तियों के साथ मैं अगली प्रतियोगिता के लिए अपने अभिभावकों को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो है कबीर दास जी के दोहे। अब मैं मयूरी, श्रीमती मयूरी परवा जी को बुलाना चाहूंगी। श्रीमती मयूरी परवा जी नमस्कार। आप मयूरी परिजा? सॉरी मैम। या दैट्स फाइन, मुझे लगा और कोई भी है तो इसलिए मैं बस कंफर्म कर रही थी। सॉरी मैम। नमस्कार, मैं हूँ मयूरी परिजा, श्यामा की मम्मी। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कबीर के दोहे। बोली एक अनमोल है जो कोई बोली जाने, ये तराजू तोली के जब मुख बाहर आने। तो इस दोहे में संत कबीर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वाणी है वो हमें हृदय में जब भी हम बोलते हैं उसको हम तोल के बोलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अनमोल है, और इसलिए बाहर निकलते वक्त उसको हृदय की तरह तराजू में तोल के उसको बोलना चाहिए। यही था अर्थ उस दोहे का। बहुत ही शानदार पंक्तियां, बहुत ही शानदार पंक्तियां। अब मैं श्रीमती रुचि राय जी को बुलाना चाहूंगी। निंदक मेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। तो हमने जो हमारे मैम, आपकी आवाज ब्रेक हो रहा है। मैम अभी आ रही है आवाज? हाँ मैम, आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ, मैं संत कबीर दास का दोहा पढ़ना चाहूंगी। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। मतलब जो हमारी निंदा करते हैं हमें उन्हें भी अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि उससे हमें हमारी कमियों का एहसास होता है और हम अपनी गलतियों को दूर करके दूर कर सकते हैं। अब मैं श्रीमती नलिनी जी को बुलाना चाहूंगी। श्रीमती नलिनी जी श्रीमती श्वेता नायक जी
मैम श्रीमती श्वेता नायक जी मैम एक्चुअली माय मदर कुडंट अटेंड शी हैज सम वर्क ओके ओके दैट्स ओके नो इश्यूज अब मैं श्रीमती पवित्रा अनिश सुप्रभात बुरा ना बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई जो मन देखा को आपने जो मुझसे बुरा ना कोई मुझसे बुरा ना कोई थैंक यू सो मच अब मैं श्रीमती यास्मीन जी को बुलाना चाहूंगी सॉरी श्वेता मैम अगर कोई अभिभावक अभी भी इसमें प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है तो वो ले सकता है एक बार अनाउंस कर श्रीमती यास्मिन जी श्रीमती विद्या श्री मैम नमस्ते मैं भी कबीरदास की एक बोली बोलना चाहती हूँ अति का भला न बोलना अति की भली न चुक अति का भला ना बरसना अति की भली ना धूप इस दोहे में ऐसा है कि एनीथिंग इज एक्सेस इन एक्सेस इज नॉट गुड जो भी बहुत बड़बड़ करने की भी जरूरत नहीं है और बहुत चुप्पी साधने की भी जरूरत नहीं है जैसे बारिश बहुत बारिश भी अच्छी नहीं होती है और बहुत धूप भी अच्छी नहीं होती एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेट एंड कंट्रोल और ये हर एक बोली कबीरदास जी की जो है वो अभी भी लाइफ में यूज होती है जब हम बच्चे थे तभी हमने भी सीखा अभी हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं और शायद उनके बच्चे भी सीखेंगे सो बहुत फ्यूचरिस्टिक और बहुत अच्छे संत थे कबीरदास सो वही बोलना चाहती हूँ धन्यवाद बहुत खूब बहुत खूब Ma'am, and I was trying to participate. Yeah. Yes, Ahan. Ma'am, and Ahan is participating. Okay, okay. Ma'am, आप बोल सकते हैं. Ma'am, कृपया अपना नाम बताइए. मेरा नाम सरोज सिंह है. मैं आहान की नानी हूँ. Hello. Hello. हाँ, ma'am, हम आपका सुन सकते हैं. बोलिए. आप लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं कबीर दास के दोहे को आपको सुनाना चाहती हूँ बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लगी है अति दूर कबीरा फल लगी है अति दूर कि आप कितने भी बड़े होता है अगर आप किसी का फला नहीं करते हैं तो आप बड़ा होना जैसे कि आम का पेड़ होता और वो पंछी को भी न बैठने की छाया दे सकता है न फूल दे सकता है लगता है कि इतनी दूर लगता है कि कोई तोड़ नहीं सकता इसलिए उनको इतना बड़ा बनाइए और बड़ा बनने के बाद दूसरों का उपकार करने के लिए वही जाता है वही मतलब आप तब तक नहीं बात हो मैम बात हो मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूंगी
सारिका मैम, अगर और कोई अभिभावक इसमें हिस्सा लेना चाहता है तो वो ले सकते हैं। निवेदिता मैम, तो हम अपनी आगे के कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं और उसके लिए मैं अपनी सहयोगी रिया मेहता को बुलाना चाहूंगी। कृपया मैम आइए। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अब मैं कविता पाठ के लिए हमारे छोटे सितारों को बुलाना चाहूंगी, जो है हमारी पहली कक्षा के छात्र। नाउ I would like to call our little stars of grade 1 to recite a poem. सबसे पहले कविता पाठ के लिए आ रही है अनेरा पेज। अवसर पर मैं आप सभी लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक मोटा हाथी चुन के चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा। जाल को देखा डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। दो मोटे हाथी चुन के चले, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसे। जाल को देखा देख के डरे, तीसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। तीन मोटे हाथी चूके चले, मकड़ी के जाल में जाके फंसे। जाल को देखा देखे डरे, चौथे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। चार मोटे हाथी झूम के चले, मकड़े के जाल में जाके वो फंसे। जाल को देखा देख के डरे, पांचवें हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। पांच मोटे हाथी झूम के चले, मकड़े के जाल में जाके वो फंसे। जाल को देख के डरे, और सदा मिलते जाल को तोड़िया 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 तोड़िया। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस। अभी मैं बुलाना चाहूंगी आर्यन जनेश को। आर्यन, अभी मैं बुलाना चाहूंगी अथर्व अविनाश को। सुप्रभात, मेरा नाम अथर्व है। चंदा मामा गोल गोल, सूरत चाचू गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, डैडी की पैसा गोल गोल, नाना की चश्मा गोल गोल, नानी का बिंदी गोल गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, सारा दुनिया गोल गोल। धन्यवाद। Very nice.
अब मैं बुलाना चाहूंगी समृद्धा सिन्हा को। मेरा नाम समृद्धा है, मैं हूँ 6 years old, मैं हूँ गाना सुनाऊंगी। ठीक है। लेकर बालू आया चम 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 डुगु 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 डुगी बाजी डुगु डुगी डम 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 ढोल बजाते मेंढक आया डम 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 मेंढक ने ली मीठी तान और गधे ने गाया गन। शुक्रिया। बहुत ही अच्छे समृद्धा। अभी मैं बुलाना चाहूंगी मोहम्मद अधियान को। अभी मैं बुलाना चाहूंगी सना सना को। सना सना विहान मेरा नाम विहान, मैं गाना गाता हूँ। डोबी आया कपड़े के साथ कितने कपड़े लाया एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 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 कपड़े लाया। धन्यवाद। शाबाश विहान। अभी मैं अगली प्रतियोगिता के लिए हमारी छात्र नाइशा को बुलाना चाहूंगी। हमारी अगली प्रतियोगिता जिसका नाम है चित्र पहचानो और बोलो, मैं नाइशा कक्षा दूसरी और तीसरी छात्रों को बुलाना चाहूंगी। फॉर द नेक्स्ट कॉम्पिटिशन नेम इज Recognize the pictures and tell. For this, I, Naisha, would like to call second and third standard students. इस प्रतियोगिता में छात्रों को कुछ चित्र दिखाए जाएंगे। छात्रों को वो चित्र पहचानना है और उसके बारे में 5 से 6 वाक्य बोलने हैं। जो छात्र सबसे पहले अपना हाथ उठाएगा उसे सबसे पहले बोलने का मौका दिया जाएगा। इन दिस वी विल बी शोइंग सम पिक्चर्स टू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हैव टू रिकॉग्नाइज द पिक्चर एंड टेल and he or she has to tell at least 5 to 6 sentences about the particular picture. Who will raise their hand first will get the first chance to speak. चित्र दिखाने के लिए मैं अपनी अध्यापिका रूपा मैम को आग्रह करूंगी। हमारा पहला चित्र है, आपको सोचने का समय 1/2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सबसे पहले विराट ने हाथ उठाया है। विराट, इस चित्र के बारे में कम से कम आपको 5 से 6 पंक्तियां बोलनी है। चित्र को हटा दो। ये
सबसे पहले अपना नाम और कक्षा बताओ बेटा, फिर स्टार्ट करो ठीक है। मेरा नाम विराट है। ये गेंद गोल है। मैम उसकी सहायता मत कीजिए प्लीज। हिंदी दिवस। ये गेंद खेल में मैम आई डोंट नो। ट्राई करो विराट, तुम्हें आएगा। ये गेंद गोल है, ये सही बोला। आगे आगे ये गेंद हम खेलने में ये गेंद हम लेकर खेलते हैं। आई नो। इतना ही आता है आपको? बहुत अच्छा प्रयत्न किया आपने। कौन सी क्लास में हो ऋत्विक? तुम आप पांचवी कक्षा में हो ना? हाँ मैम। तो आप नहीं इसमें हिस्सा ले सकते। देवी श्री आप हिस्सा ले सकते हो, तो आप पीछे मत बैठो, आगे आओ ठीक है। ये दूसरी और तीसरी कक्षा के छात्रों के लिए है ये प्रतियोगिता। कोई और इस चित्र के बारे में बताना चाहेगा? चार से पांच पंक्तियां। नायशा दूसरा चित्र। मैं मैम को दिखाना है, मैं कैसे दिखाऊं? तुम्हें बोलना है। अब हमारा दूसरा चित्र है और इसके लिए आपको आधे मिनट का समय दिया जाएगा। विराट अब आप हिस्सा नहीं ले सकते। हमारा दूसरा चित्र है सोचने। आधा मिनट खत्म होता है। अब आप अपने हाथ उठाइए, कौन इस चित्र के बारे में बताना चाहेगा? श्यामा, आहान, देवीश्री, श्री रेखा, इस चित्र के बारे में कौन पांच से छह लाइनें बोलेगा? सिया, सिया बोलिए। सिया अनम्यूट करो पहले अपने आप को। मैम प्लीज कैन यू शो मी द पिक्चर अगेन? रूपा मैम उसको एक बार पिक्चर और दिखाइए। सिया आपने पिक्चर देखी थी बेटा? हाँ बट आई फॉरगॉट द पिक्चर, सॉरी। एक सेकंड मैं भूल गए, रुको दिखाते हैं आपको दोबारा। फेसबुक यूज कर रहा है ना, बहुत एनर्जी यूज करता है। देखने दो यार, कुछ सेविंग्स का है। नायशा म्यूट पर जाओ आप बेटा। ये एक पूल है, पूल स्प्रिंग सीजन में आता है। पूल बहुत खूबसूरत है। फूल बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है, खूबसूरत, सॉरी मैम। फूल बड़ा जाता है, वह फूल फल बिका, फूल फल बिक
इंटरेस्टेड हो नो। सिया लास्ट वाली लाइन आप दोबारा बोलो, आपकी जो आवाज थी थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी, लास्ट वाली लाइन आपने क्या बोली है? इट इन इंग्लिश। नहीं इंग्लिश में नहीं बोल सकते आप, हाउ टू टेल इट इन हिंदी। आपने सही बोला था, दोबारा बोलो बस। फूल वो बजाता है, वो फल बनाता है। बहुत अच्छे, अच्छा प्रयत्न किया आपने। Yes, everything I know about, everything I know I can say in Hindi. बहुत अच्छा, good. अब हमारा अगला चित्र है, हमारा तीसरा चित्र है। श्री लेखा ने सबसे पहले हाथ उठाया, श्री लेखा बोलिए इसके बारे में 5 से 6 लाइनें। मेरा नाम श्री लेखा है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। ये एक पेड़ है, ये पहले छोटा रहता है, जब हम बीज डालेंगे कुछ महीनों या फिर कुछ साल के बाद वो बहुत ही बड़ा बन जाता है। इसमें बहुत सारे पत्ते भी हो जाते हैं और इसमें काफी सारे फूल भी आ जाते हैं, जिससे इसमें और भी फल हो जाता, फल आता है। इसको पहले बीज डालने के बाद हम पानी डाल सकते हैं, इससे ये बहुत बड़ा बन जाता है। उसके बाद कुछ और महीनों या फिर साल के बाद ये और भी बड़ा बन जाता है। धन्यवाद। बहुत अच्छे श्री लेखा, बहुत ही अच्छी लाइनें आपने बोली। अब हमारा चौथा चित्र है, आहान देखिए चित्र को, श्यामा और आहान। आहान ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, आहान बोलिए इसके बारे में। ये गुब्बारा है, इसमें हवा भरा जाता है, इसको जन्मदिन में लगाया जाता है, और ये रंग बिरंग होते हैं। और आहान बस 3 लाइनें और भी ट्राई करो, 2 लाइनें और बोलो, आप बोल सकते हो। छोटे बच्चे इनको बहुत अच्छे लगते हैं, पसंद करते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब अगला चित्र है श्यामा, सिर्फ आपके लिए, वो आपको ही बोलना है। मेरा 5वां चित्र है, हाँ लगा दे लगा। ये एक बतख है, ये पानी में होता है। श्यामा बोलो बच्चे, आप अच्छा बोल रहे हो, ये एक बतख है, ये पानी में रहती है, आगे बोलो। बहुत अच्छा बोला है आपने, आगे आता नहीं है, तो इसके लिए तो हमें दिमाग चलाना पड़ता है ना। सोचो सोचो, जल्दी से सोचो और बोलो। ये येलो कलर होता है, येलो को हिंदी में बोलो। पीला कलर होता है, बस इतना ही। आगे का कार्यक्रम बनाने के लिए नाइशा, एक सेकेंड नाइशा, देवी श्री रह गया, देवी श्री इसके बारे में आप बताइए।
देवश्री है, ये पीला कलर में आता है और ये अंडा भी देता है और पानी में तैरता है, दिखने में सफेद होता है और पीला भी आता है। बहुत अच्छे देवीश्री, और कुछ बोलो। और ये मछली को ही खाता है। और अगर आप पीछे से अपने अपने भाई की मदद लोगे ना, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, देख लो फिर। और ये पानी में तैर भी सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। इतना ही। अच्छा, वैसे मेरे को कंपटीशन में आपको बताना नहीं है, बट सकती है लगाना है सब में, ठीक है, गुड। विराट देखो, आपकी वैसे चांस हो चुकी है, ठीक है, इसलिए जल्दबाजी में हाथ नहीं खड़ा करते, पहले देखते हैं ध्यान से, है ना। विराट आपने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था ना। यस मैम। तो अब मैं आपको दोबारा चांस नहीं दे सकती। सभी छात्रों ने बहुत अच्छा किया, आगे का कार्यक्रम बनाने के लिए मैं अपनी अध्यापिका सहाना मैम को बुलाना चाहूंगी। नमस्कार प्रियजनों, आज की हमारी दूसरी अंतिम प्रतियोगिता है निबंध लेखन, जिसमें हमारे छठी और सातवीं के छात्र हिस्सा लेंगे। इस प्रतियोगिता के लिए छात्रों को विषय दिए जाएंगे, उन्हें किसी भी विषय पर लिखना है। पहला विषय है छठी कक्षा के लिए ऑनलाइन क्लास, वरदान या प्रतिबंध। छठी कक्षा के छात्रों, ऑनलाइन क्लास वरदान या प्रतिबंध। और सातवीं कक्षा के लिए कोरोना वायरस का मानव जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। और कुल समय 10 से 15 मिनट दिया जाएगा। The students of grade 6 and 7 will be given the topics for essay writing and the topics are very much displayed on the screen, children. You will be given 10 to 15 minutes. Once you complete the essay, you will have to send the essay. You will have to take a photo of it and send it to info@nps. All the best, children. And the time given is 15 minutes. धन्यवाद सहाना मैम। जब तक हमारे छात्र निबंध लिखते हैं, तब तक हम एक बहुत ही रोचक और मजेदार एक और अपनी अंतिम प्रतियोगिता करते हैं, जो कि जो है हमारी कक्षा चौथी और पांचवी के लिए। इसके लिए मैं अपनी कक्षा चौथी और पांचवी के छात्रों को बुलाना चाहूंगी, ऋत्विक और नायशा। अभी आप दोनों ही हो तो आपके लिए ये एक्टिविटी, ठीक है, देखते हैं कौन इसमें फर्स्ट आएगा। तो ये जो एक्टिविटी है हमारी, ये जो प्रतियोगिता है, ये है टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर आपने सुना है ना, तो ये जो हमारी प्रतियोगिता है ये है टंग ट्विस्टर। तो सबसे पहला जो टंग ट्विस्टर है हमारा, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ऐसे आपको बोलना है। तो सबसे पहले कौन बोलेगा? नायशा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। नायशा तुम पहले में ही आउट हो गए बेटा। अच्छा ये चलो मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़। नायशा नहीं, अब दोबारा भी आपने गलत किया है। ऋत्विक। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़।
अब दोबारा नहीं, दोबारा नहीं, मैं दूसरा आपको देती हूँ, ये थोड़ा सा कठिन है। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में, मैं दोबारा धीरे बोलती हूँ, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल में पीतल पपीने, अच्छा ये छोड़ो दूसरा बोलो, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती, खड़क सिंह से खड़कती है खिड़की, खड़क सिंह से खड़कने की खड़कती है खिड़की, आधा नहीं बोला पूरा बोलना है, खड़क सिंह से खड़कते हुए खड़कती है खिड़की, गलत, ऋत्विक, खड़क सिंह से खड़क, खड़क सिंह से नहीं, खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खड़क सिंह के खड़कती है करने से करती है, खड़क सिंह खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खड़क सिंह ने करने से करती है, खड़क सिंह ने कुछ नहीं किया, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खड़क सिंह ने करते से, चलो आउट, एक और थोड़ा सा और मुश्किल, ठीक है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी रात में चांदी की चौक में चटनी चटाई, धीरे बोलो, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी, अच्छा ये मुझे लगता है आप लोगों के लिए थोड़ा कठिन है, एक जो हंसेगा वो फंसेगा, ये मैंने आधा बोला है, मैं पूरा नहीं दे रही, ठीक है, जो हंसेगा फंसेगा, जो हंसेगा फंसेगा, जो हंसेगा फंसेगा, जो हंसेगा फंसेगा, एक वर्ड तो आप काम गया, एक वर्ड, एक जो हंसेगा वो फंसेगा, ठीक है नायशा, और 10 times आपको बोलना है, चलो स्टार्ट, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो हंसेगा वो, बीच में गलत कर दिया, ऋत्विक मैं मुंह सोटल, जो हंसेगा वो फंसेगा ना, मैं मुंह सोटल, आपसे पूछा है मैंने, जो हंसेगा वो फंसेगा, 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 गुड, हमें आज का विनर मिल गया टंग ट्विस्टर का, नहीं तो मुझे लग रहा था कोई विनर नहीं होगा, एक और ये प्रतियोगिता नहीं है, ये प्रतियोगिता नहीं है, कोई और ट्राई करना चाहेगा ट्रंक ट्विस्टर अभिभावकों में से, मैम क्या पेरेंट्स कर सकते हैं, नहीं नो, मैम क्या पेरेंट्स वो कर सकते हैं, हाँ यही कहा है मैंने, पेरेंट्स करना चाहते हैं, पहले अभिभावक है पवित्रा अविनाश जी, जो ट्रंक ट्विस्टर, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ मैम, How many times should we tell, ma'am? 10 times only. मैं 5 बार बोलती हूँ और आप मेरे लिए 5 बार बोल दो मैम, सही हो जाएगा। चलो मैम आप 5 बार बोलो। मैम मेरा चुनौती क्यों हो रहा है मैम आज? आप पेरेंट्स हो ना, अभिभावक हमारे प्यारे। मैम थोड़ा टाइम दो, मेरे डैडी आएंगे मैम, डैडी से बोलवाती हूँ मैम। I will try it twice, ma'am. इसके ऊपर मुझसे नहीं होएगा मैम। ठीक है मैम ट्राई करो। ये कोई मैम कोई कंपटीशन नहीं है, जस्ट फन के लिए हम कर रहे हैं। कौन बोल सकता है? मैम मैं मदर विल टेल इट। हाँ विष्णु प्रिया मैम विल टेल ऑन माय बिहाफ। मैम कम ऑन मैम यू टेल मैम। I can also tell ma'am. I'll try. Ma'am you tell 5 times. I will tell 5 times. Okay. Yeah. I'll start. Yes, ma'am. कच्चा पापड़ पक्का पापड़। मैम तेज बोलना है थोड़ा, जल्दी बोलना है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़।
आपने थोड़ा स्लो बोला है मैम, देखते कौन तेज बोलेगा। ओके, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। गुड मैम, आप दोनों ने अच्छा बोला, पर पवित्रा मैम ने थोड़ा सा फास्ट बोला। तो हम दोनों को टाई होना है मैम, तो इसके लिए आपको एक और टंग ट्विस्टर देती हूँ मैं। हमारे दो और अभिभावक आ गए हैं, देविका मैम और विजयश्री मैम। देविका मैम, आपको एक टंग ट्विस्टर बोलना है। मैं वो बोलू चंद के चाचा? हाँ हाँ वही बोलो, 10 बार। अच्छा, 10 बार ओनली, केवल 10 बार। ओके, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई। मैम एक बार आप मेरा सुनो, वैसे ही बोलना है आपको। देखो, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, ऐसे बोले। पवित्र मामला इजी सा लग रहा है मुझे। बोलिए मैम, आपसे होएगा मैम, बोलो मैम। थैंक यू मैम। इवन प्रतिमा मैम आल्सो शुड गेट चांस नो? ये क्या बात हुई मैम, सिर्फ हम लोगों को प्रतिमा? मैम अभी, अब मैम टीचर्स की बात आ रही है, अभी अभिभावक थे, अब हमारे प्यारे टीचर्स की बारी है। निवेदिता मैम आप ट्राई करना चाहोगे? यास्मिन मैम भी है पेरेंट्स से। यास्मिन मैम, आई थिंक उनके नेट में कुछ प्रॉब्लम है। निवेदिता मैम आप ट्राई करना चाहोगे? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चटनी चटाई। चंदू की चाचा ने चांदनी रात में चम्मच लॉस्ट हो गया। जिससे चटनी खानी थी वो चला गया चम्मच। चटनी चला गया मैम। 10 बार तो नहीं, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा रहम खा के थोड़ा कम कर दो मैम। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। पहले कौन सा आता है? पहले कुछ भी पर सही आता है मैम। आपने कुछ जंबलिंग ऑफ वर्ड्स किए, मैं भी कंफ्यूज हो गई। अच्छा आप बताओ फिर से। मैं अच्छा देखो, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चांदनी चौक में मैम। हाँ नहीं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। मैंने तो बोला तो वही ठीक है, ट्राई करेंगे। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चमची से चटनी चटाई। हाँ, अब आपको फास्ट बोलना है आपको। अब फास्ट मैम, अब तो आगे बोलता हूँ। ओके, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। बस गलती हो गई आपसे। हमारे टीचर्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? करो करो, कहाँ गए सारे टीचर्स? प्लीज विराट मैम, एक बार हम अपने छात्रों को मौका देते हैं। विराट बोलो मैम। पहले हम फर्स्ट में टीचर से शुरू करेंगे मैम। मैम एक बार विराट से पूछ लेती हूँ, उसने बहुत देर से हाथ खड़ा किया है। हाँ विराट बोलो। कैन आई टेल पक्का पापड़? नहीं 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 चंद वो वाला, चलो बोलो पक्का पापड़ कच्चा पापड़। छोड़ो और फिर बोलो, देखो सब सही होगा। मैंने सिखाया है ना, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। गलत हो गया विराट। श्रीलेखा जल्दी से बेटा, हमें आगे की तरफ बढ़ना है। फिर कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। बस बेटा वेरी गुड, सांस ले लो अब तुम। रिया मैम, चंदू के चाचा
मैम मैं ट्राई करती हूँ, पता नहीं. ओके चंदू क्या जाना, चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी चमक से चांदनी. मैम आपने इधर वेरी ट्राइड मैम, बहुत अच्छा प्रयत्न किया आपने, बट कुछ इधर उधर कर दिया. क्या मिलेगा मैम? प्रैक्टिस, कृपया अभ्यास कीजिए. अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस. ओके मैम, ओके. तो टीचर से हम अपना पर्सनली खेल लेंगे. अब सारे अभिभावक हमारी वेट कर रहे हैं, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. जैसा कि मुझे पता है आप सब अब परिणाम और रिजल्ट के बारे में सोच रहे होंगे कि क्या परिणाम होगा, बट उससे पहले जब तक हमारा परिणाम आता है और रूपा मैम उसको डिसाइड करेंगी और बताएंगी, मैं कुछ पंक्तियां आप लोगों के सामने बोलना चाहूंगी. भारत की है बोली हिंदी, हम सब की हम जोली हिंदी. भारत की है बात निराली, ये है हम सबको प्यारी. सदा करें इसका सम्मान, इससे है भारत का मान. इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ मैं आप सभी का हिंदी दिवस, आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही आपका सादर दिल से आभार प्रकट करती हूं कि आप लोग यहां पर आए और हमारा और हमारे छात्रों का मनोबल बढ़ाया. आशा करती हूं कि भविष्य में भी जब भी हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे, आप लोग इस तरह ही हमारा सहयोग करेंगे. और अंत में मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य को, कोऑर्डिनेटर मैम को, मेरे सहयोगियों को, जिनकी वजह से मैं ये प्रोग्राम सफल बना पाई. धन्यवाद. और अब मैं रूपा मैम को निमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और परिणाम की घोषणा करें. मैम फ्यू मिनट. मैम जब तक रूपा मैम आप परिणाम घोषित करते हैं, मैं एक बात बताना चाहती हूँ. हमारे तीन अभिभावकों के बीच में टाई हो गया है, विजय श्री मैम के बीच में, विष्णु प्रिया मैम के बीच में और निवेदिता मैम के बीच में प्रश्नोत्तरी में. उनके लिए मैं तीन और प्रश्न पूछूंगी, जो भी इसका जवाब देगा वही दूसरा और तीसरा प्रतियोगी होगा हमारा. विष्णु प्रिया मैम यहाँ पर हैं, विजय श्री मैम भी हैं, निवेदिता मैम. हाँ, तो पहला प्रश्न, इसमें मैं ऑप्शन नहीं दूंगी, ठीक है. पहला, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? टीचर सबसे पहले किसने हाथ खड़ा किया? निवेदिता मैम ने, विजय श्री मैम ने. विजय श्री मैम बताइए. सही जवाब. निवेदिता मैम मायूस होने की जरूरत नहीं है, दो क्वेश्चन और हैं अभी भी. ब्लड प्रेशर, दैट इज बीपी, को हिंदी में क्या कहते हैं? विजय श्री मैम ने बिना ऑप्शन के ही हाथ खड़ा कर दिया. मैम आप बताइए. रक्तचाप. सही जवाब. मैम अब तीसरा हमें चाहिए. निवेदिता मैम, हिंदी में जिस शब्द को हम अलमारी कहते हैं वो किस भाषा से लिया गया है? फारसी, अरबी, पुर्तगाली, संस्कृत. विजय श्री मैम आप मत देना आंसर, आपका डिसाइड हो गया प्लीज. फारसी. यस निवेदिता मैम बताइए. फारसी. नहीं मैम, गलत जवाब. मैम ऑप्शंस. फारसी, अरबी, पुर्तगाली, संस्कृत. मैम बोलिए. मैम विष्णु प्रिया मैम. अरबी. मैम पुर्तगाली है इसका सही जवाब. एक और क्वेश्चन, उसका आंसर मैंने बातों बातों में भी दिया था, अभी मेरे पास सिर्फ यही क्वेश्चन है.
हिंदी में कितनी बोलियां हैं? जैसे राजभाषाएं 22 थी ना, ऐसी बोलियां भी हैं, कितनी हैं? पीछे से कुछ आंसर की आवाज आ रही है मुझे, कुछ उत्तर दिए जा रहे हैं प्रतियोगियों को। सॉरी मैम, माय थॉट आयोजन ऋत्विक, अभिभावकों को इसमें हिस्सा लेना है। यस मैम बताइए। 18 सही जवाब हमारे। 18 बोलियां और 22 भाषाएं, मैंने आपको पहले भी बताया था जब भाषाओं वाला प्रश्न आया था, 18 बोलियां और 22 भाषाएं। तो इसी के साथ हमारे जो विजेता हैं हमें पता चल चुके हैं, जो अब रूपा मैम हमें बताएंगी। सुमेधा वारे अड़ कर या मैम क्विज कॉम्पिटिशन का 2 मिनट में दे दीजिए। अभी मैम ने कुछ नहीं बोला बेटा, ठीक है मैम। तो ऐसा लग रहा है पता नहीं। तब तक मैं कुछ पूछना चाहूंगी अपने अभिभावकों को, आपको हमारे द्वारा आयोजित ये समारोह कैसा लगा? आप अपने विचार बोल सकते हैं जब तक रूपा मैम रिजल्ट बताती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऋत्विक को बहुत अच्छा लगा। वैसे मैंने अभिभावकों से पूछा है बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। थैंक यू मैम, धन्यवाद। वेरी इंटरेस्टिंग और टॉपिक्स भी बहुत अच्छे थे मैम। अच्छा लगा हिंदी दिवस को इतना इम्पोर्टेंस देके उसको सेलिब्रेट किया गया, और सारे पार्टिसिपेंट्स वेर आल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। यस मैम, सभी को मेरा सादर प्रणाम और हिंदी दिवस के डेट के बारे में शुभकामनाएं। दोहे के देखा है आहान की नामों दोहे के विजेता है आहान की नानी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे विजयाश्री मैम, तीसरे नंबर पे हमारी कोऑर्डिनेटर मैम पवित्रा मैम। हमारी प्रश्नोत्तर यानी क्विज कॉन्टेस्ट के विजेता है पहले नंबर पे मयूरी मैम, सेकेंड नंबर पे विजयश्री मैम एंड थर्ड नंबर पे कृष्णप्रिया मैम। मैम विष्णुप्रिया। यस। नेक्स्ट कक्षा दूसरी और तीसरी चित्र पहचानों के विजेता है पहले नंबर पे सिया, सेकेंड नंबर पे आहान, थर्ड नंबर पे श्रीलेखा। कक्षा चौथी और पांचवी टंग ट्विस्टर के विजेता है ऋत्विक, और कक्षा छठी और सातवीं के विजेताओं का नाम बाद में घोषित किया जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। फर्स्ट स्टैंडर्ड रूपा मैम। मैम कविता पाठ, एक सेकेंड। हाँ कविता, कक्षा पहली कविता का विजेता है अनैरा फर्स्ट प्लेस पे, अथर सेकेंड प्लेस पे, थर
बिहान। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। वेट मैम, एक मिस्टेक हुई है प्लीज। थर्ड प्लेस पे विहान और समृद्धा दोनों है। तो इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं और मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगी और आशा करती हूँ कि सब अपने घर में सुरक्षित होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद 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 धन्यवाद। नायशा लॉग आउट कर दो बेटा। सिया, सुमेधा सब लॉग आउट कर सकते हो आप लोग। ओनली टीचर स्टे बैक, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स कैन लीव। Sumedha has to leave. Sumedha. Ritvik. Kish. Ritvik. Ritvik, Sumedha, you both can log out. Ditya also is there. Ditya's mother is there. Sumedha, you can leave. Sumedha, are you there? I think ma'am, Sumedha, you can leave the call. We can remove the participant. वो भी हो सकता है ना, अगर नहीं जा रहे तो। अवित्रा मैम, I am not able to see their screen only, ma'am. Only if they speak, they will. Ma'am, ma'am. Shall I remove her participant? Remove her, ma'am. Yes. हमारे मीटिंग नहीं हो रहा है, वो इसको कॉल करके बोलना पड़ेगा शायद। अब हम लोग आज हिंदी में ही बात करेंगे तो हम बात नहीं करेंगे क्यों क्यों नहीं आता है ना। सुमेधा नीतिया नॉट लेफ्ट नो, I'll remove her. Ma'am, Devika ma'am is there. Devika ma'am is there. Can I be there or not? Okay, you can stay, ma'am. It is not going to make a big difference. Okay, ma'am, so Sumedha, now that Devika ma'am is there. Ma'am, can you remove Sumedha? Yes. Okay, do something. We'll meet at 2:30 only. Now you all go, freshen up, have your lunch. We'll meet at 2:30. We will get back to breakfast. This is still getting recorded. Yes. So we will all resume back at 2:30 in our regular meeting link. Yes. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. It's getting recorded, ma'am. Pavitra, ma'am, main hu Devika. Gayi, ma'am. Gayi, ma'am. Ab call karke fine. I'll talk. Bye. Bye-bye.